Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you a few important things asked in various competitive exams. As you asked in the previous videos that something must be made about the competitive exams, therefore I have decided to make this video, and this video is about the reasoning, and in this video I am going to I will discuss you the reasoning. In the reasoning test, analogy is asked, and analogy, I must tell you ki what actually analogy is. Analogy is means similarity. Analogy means similarity, or having similar features. It means in questions based on analogy, a particular relationship between words, letters, numbers is given, and another similar relationship has to be identified from the alternative provided. Okay. And analogy is of four types, and first is word analogy, second number analogy, third alphabet analogy, fourth mixed analogy. तो बच्चों, आज मैं आपको जो है रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा. जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था और मुझे कहा था कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ बनाइए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूँ जो है रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम में और सभी जो है गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ये जो रीजनिंग का टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से ये शुरू करूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा. और आज जो ये जो एनालॉजी का जो टेस्ट है, ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे बैंक्स के टेस्ट हो, चाहे अदर. तो ये एक इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी एनालॉजी. मैंने आपको बताया कि आपको दो इसमें बताया था मैंने कि जो सिमिलर जो आपको एक सिमिलर रिलेशनशिप हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड, दो सिमिलर रिलेशनशिप दी जाएगी, और थर्ड जो आपको जो वर्ड दिया जाएगा उसका उनके बेस पर आपको रिलेशन बताना पड़ेगा. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोर टाइप की होती है, तो आज मैं केवल आपसे वर्ड एनालॉजी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगा, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा भी. अब तो वर्ड एनालॉजी क्या होती है, पहले तो हम इस पर डिस्कस कर लें कि दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कवर्स एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कैन थिंक. देयर आर मैनी वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग और रिलेशनशिप लाइक क्वान्टिटी एंड यूनिट, वर्कर एंड टूल्स, कॉज एंड इफेक्ट, वर्ड सिनोनिम, वर्ड एंटोनिम, कंट्री एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, एनिमल एंड इट्स यंग वन, मेल एंड फीमेल, एनिमल एंड इट्स रेस्टिंग प्लेस, गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, ऑक्यूपेशन, द वर्किंग प्लेस एंड द वर्क, स्टडी एंड टॉपिक. तो इसमें जो है सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं, और कंट्री और उसकी कैपिटल, देश और उसकी राजधानियां भी आती हैं, करेंसी भी आती है. करेंसी मतलब किसी देश की जो 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 मनी होती है उसको कहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है. और एनिमल और उनके बच्चों के बारे में भी आता है, ठीक है, और जैसे कि भाई कह दिया कि काउ से यंग वन इज काफ, तो हॉर्स का क्या होगा, तो कॉल्ट होगा, ठीक है ना, कॉल्ट. समझ में आ रहा है, आई थिंक कि आप समझ रहे हो, ठीक है. अब ऐसे पूछ लिया कि यूएस की कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है, तो जर्मनी की कैपिटल क्या होगी,
तो ऐसे आपको क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। आपको पता है जर्मनी का कैपिटल जो है बर्लिन है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। इन वर्ड एनालॉजी द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन पेयर एंड देन टू फाइंड द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर टू दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये वर्ड एनालॉजी में कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप डिस्कवर करते हैं और जो है देन टू फाइंड द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ द वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर टू दैट रिलेशनशिप, और फिर इसके बाद जो है जो उनसे मोस्ट सिमिलर होता है उसके बारे में जो है उससे उसको मिलाते हैं। अब इसका एक जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, मिल, क्योंकि न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, न्यूज़पेपर कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, प्रेस में बनता है, छपता है भाई, अखबार कहाँ छपता है, प्रेस में। तो क्लॉथ कहाँ, क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, कपड़ा कहाँ बनता है, कपड़ा कहाँ बनेगा, मिल। तो ये इसका जो आंसर होगा मिल होगा। अच्छा बच्चों, तो मैं अब कुछ इसके बाद जो है मैं और कुछ कंट्री हैं उनकी कैपिटल और करेंसी बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सीधा क्वेश्चन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे बांग्लादेशी कैपिटल ढाका है और टका यहाँ की करेंसी है, इराक बगदाद और दिनार यहाँ की करेंसी है। मैं करेंसी पहले बता चुका हूँ कि करेंसी क्या होती है, यानी कि रुपये, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपये है, ऐसी इराकी करेंसी क्या है, दिनार। जैसे इंडिया की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है भाई, जहाँ से पूरे देश का जो राज किया जाता है, गवर्न किया जाता है पूरी कंट्री को, उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है, राजधानी, ठीक है। तो ये चाइना, बाइजिंग और युआन यहाँ की करेंसी है। ये मैं बाइजिंग पढ़ रहा हूँ इसलिए कि ये ऐसी प्रोनंशिएट होता है, हालांकि लोग इसे बीजिंग बोल देते हैं, ठीक है, वो गलत होता है। इंडिया, न्यू दिल्ली और रुपी यहाँ की करेंसी है। यूके, लंदन और पोलैंड, पाउंड जो है वहाँ की करेंसी है। जापान, टोक्यो, येन यहाँ की करेंसी है। अब देख रहे हैं चाइना की युआन है, ठीक है, और जापान की क्या है, येन। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ का जो करेंसी है डॉलर। रशिया की मास्को और रूबल यहाँ की करेंसी है। ग्रीस, एथेंस और यूरो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब मैं आपको जो है अब इसी तरीके से, ये तो एक कंट्री कैपिटल और करेंसी की बात थी, अब ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। यानी कि ऑक्यूपेशन मींस कि जो व्यवसाय हैं, जो हमारे काम हैं, जो हम क्या काम करते हैं, काम जो है, और वर्किंग प्लेस मींस जहाँ वो कोई काम करता है। जॉब प्रोफाइल मींस कि वो क्या काम करता है। अब यहाँ पे लॉयर है, लॉयर कोर्ट में काम करता है, ठीक है ना, पता है आपको, कोर्ट माने अदालत होता है, ठीक है, और ये लीगल प्रैक्टिस करता है, वो लीगल प्रैक्टिस मतलब कानून, केस वगैरह लड़ना कानूनी, तो वो सर्वेंट है, वो हाउस में काम करता है, उसका काम क्या होता है, सर्विस, सर्विस मींस सेवा करना। ब्यूटिशियन पार्लर में काम करती है या पार्लर का काम करता है, और मेकअप का काम होता है इनका। मैकेनिक गैराज में काम करता है, रिपेयरिंग का वर्क होता है इसका। वेटर रेस्टोरेंट, ठीक है ना, मैं प्रोनंशिएट भी कर रहा हूँ इसे, आप रेस्टोरेंट बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट है ये, और ये सर्विंग का काम करता है। फार्मर फील्ड और फार्मिंग मींस खेती बाड़ी करता है। शेफ किचन में काम करता है, इसका काम होता है कुकिंग माने खाना बनाना, पता है आपको। सेलर शिप में काम करता है, और सेलिंग माने कि शिप में जब वो सेल जो है सेलिंग का काम करता है, मतलब उसको ऑपरेट करता है, शिप को जो है उसमें काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें सेलर कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो बच्चों मैं अब ये नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका जो है ये स्टेट्स ऑफ इंडिया कैपिटल एंड, ठीक है। तो जैसे कि सिक्किम की कैपिटल क्या होगी, गैंगटॉक, और वेस्ट बंगाल की कोलकाता, गोवा की पनाजी, तमिलनाडु चेन्नई, उड़ीसा भुवनेश्वर, बिहार पटना, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे।
और फिर इसके बाद है महाराष्ट्र मुंबई और मध्य प्रदेश भोपाल और जो है आंध्र प्रदेश अमरावती, हरियाणा चंडीगढ़, तेलंगाना हैदराबाद, राजस्थान जयपुर। अच्छा बच्चों, मैं नेक्स्ट उसमें आता हूँ कि मेल फीमेल ये डॉग है, मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर। तो मेल जो डॉग होता है उसे कहते हैं डॉग, फीमेल जो डॉग होती है उसे कहते हैं बिच। बुल का काऊ हो जाता है, पता है आपको, बैल बगाए, स्टैग और डो। अब यहाँ पर स्टैग जो होता है बारह सिंग को कहते हैं, आपने देखा होगा बड़ी सिंग वाला होता है ये जानवर, आपने इसकी इमेज देखी होगी जरूर जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो इसकी जो फीमेल होती है उसे डो कहते हैं, डी ओ ई डो। आप सभी को कुल मिला के डियर कहते थे, डियर की भी अपनी आप में स्पीसीज होती है ना, तो स्टेक उसकी वन एक स्पीसीज है। नेफ्यू है भतीजा, भतीजी, नीज, हॉर्स, मेयर, कॉक, हैन, मंक। देखिए मंक माने साधु होता है, नन माने साध्वी। ड्रोन बी। अच्छा मैं आपको देखो ये मधुमक्खी जो मेल मधुमक्खी होती है उसे ड्रोन कहते हैं और जो फीमेल मधुमक्खी होती है उसे पी कहते हैं। आप स्कूल मिला के सबको पी कह देते हो, वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। अब आपको कहे ड्रोन मीन्स तो जी वो भी होता जो पायलटलेस एयरक्राफ्ट होता है और ड्रोन से वो बॉम्बिंग वगैरह करता है, करते हैं कई जो है यूएसए वगैरह है ना, अफगानिस्तान पे या पाकिस्तान पे, या उन्होंने वो जो है यमन वगैरह कंट्री में की थी टेररिस्ट के खिलाफ। तो वो ड्रोन वो भी होता है, वो एक ड्रोन होता है, वो भी ड्रोन है। और ये ड्रोन मानिए मधुमक्खी का के सेंस में, तो यहाँ पे जब इंसेक्ट की बात करते हैं तो मधुमक्खी का जो मेल जो काउंटर पार्ट होता है उसे कहते हैं ड्रोन। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अच्छा नाउ नेक्स्ट है ये इंडिविजुअल और क्लास। अब मैं यहाँ पे देखो ये फ्रॉग है वो क्या होता है, एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन क्लास में आता है। यानी कि एम्फीबियन क्लास मतलब किस ग्रुप में आना, जैसे कि अब ये जो मतलब ये ज़मीन पे भी रहता है, ये पानी में भी रहता है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन और पानी में रहते हैं, उनकी क्लास उन्हें डिवाइड किया गया है, तो ये एम्फीबियन क्लास में आएगा। कैटल हर्ड में आएंगे, कैटल कैटल माने होता है भाई जैसे गाय भैंस बकरी है ना भेड़, ये सब कैटल में आते हैं और ये हर्ड की क्लास में आते हैं, समझ रहे होंगे आप। मैन मैमल, देखो मैमल क्या होता है, मैमल आपको पता भी है कि जो अपनी बेबीज को मिल्क फीड करता है, ठीक है ना। जो एक तो होते हैं ओवीपरस होते हैं, एक होते हैं कि जो कि टेक बर्थ नॉट एक्चुअली यू नो कम आउट फ्रॉम द एग, जो अंडे से पैदा नहीं होते बल्कि जस्ट टेक बर्थ फ्रॉम द फीमेल, जो फीमेल से सीधा पैदा होते हैं उनको मैमल कहते हैं, ठीक है। तो ये व्हेल है, ये भी एक मैमल है ये, और ये इसी तरह से यहाँ पर रैट है, रैट की जो क्लास होती है ये रोडेंट क्लास में आता है, ठीक है। स्नेक है वो रेप्टाइल है भाई, ठीक है, रेप्टाइल क्लास में आएगा। ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड की क्लास में आती है। अच्छा मैं अब आगे आता हूँ एनिमल और साउंड। देखो कॉक का जो साउंड होता है क्रो होता है, और कैट का म्यू होता है, स्नेक का हिस होता है, जैकल का हाउल, जैकल एक्चुअली भेड़िया, ठीक है। और डक होती है, डक की आवाज़ कैसी होती है, क्वैक क्वैक क्वैक। फ्रॉग की क्रोक क्रोक क्रोक, आउल की हूट हूट, ऐसे करता है वो। डंकी ब्रे। अच्छा बच्चों अब मैं नेक्स्ट इसमें आता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट। देखिए पावर की यूनिट जो होती है वो वॉट होती है, आपको पता होगा वैट आपने पढ़ी होगी है ना, क्लास टेंथ में आती है वैट। और करंट की एम्पियर होती है, आपको पता है क्लास टेंथ के चैप्टर में था ये एम्पियर, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर, की उसमें मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजर करने वाली यूनिट, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। जैसे हम टाइम को नापते हैं, आप कहते हैं इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं है ना, तो उसको सेकंड्स में उसकी ऐसा यूनिट है ना। और लेंथ को नापना होता तो मीटर से लेंथ को नापते हैं, ठीक है ना। और बहुत बड़े डिस्टेंस को नापना हो तो किलोमीटर, आप समझ रहे होंगे। टाइम है सेकंड है ना, वर्क एनर्जी जूल में नापते हैं, फोर्स न्यूटन में नापते हैं। और फिर इसके बाद है प्रेशर, प्रेशर को पास्कल में, पास्कल यूनिट होती है। एरिया को हेक्टेयर में, मास किलोग्राम, और वॉल्यूम लीटर। वॉल्यूम किस में नापेंगे, कि लीटर में नापेंगे, क्योंकि वो आपको पता ही है वॉल्यूम आप जानते हो कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एनी लिक्विड पार्ट एनी सॉलिड पार्ट इन ए कंटेनर दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। किसी डब्बे में कितनी चीज़ें, कितना
कोई चीज़ समा सकती है, कितना उसमें कंटेन कर सकती है, वो वॉल्यूम कहलाता है। जैसे अगर एक जो है एक 5 लीटर की कैन में, कैन माने वो डब्बा, उसमें अगर वो 5 लीटर का तेल आता तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। 5 लीटर तो लीटर में की एसआई यूनिट, इसकी वॉल्यूम की एसआई यूनिट जो है लीटर है। रेसिस्टेंस की ओम है, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, जब करंट किसी से पास होता है कंडक्टर से, तो कंडक्टर के अपने कुछ एटम्स होते हैं जो उसको रेसिस्ट करते हैं, उस करंट के फ्लो को रोकते हैं, तो उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। आपको क्लास 10th में मैंने आपको बताया था और शायद आपको मालूम भी होगा, ठीक है ना, और आपने खुद पढ़ाया बुक में और आपके टीचर्स ने भी आपको बताया हुआ, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने, तो ठीक है ना। अब जो है मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, वर्ड जो है असाइन। असाइन अलॉट है ना, देखो असाइन करना किसी को काम सौंपना है ना, जैसे कि आपको असाइनमेंट मिलता है ना, काम मिलता है ना स्कूल से, असाइनमेंट होमवर्क असाइन करती हैं आपके टीचर, ठीक है। तो असाइन का क्या होगा, अलॉट देना मतलब काम सौंपना। अबडक्ट मीन्स किडनैप कर लेना किसी को, ये सिनोनिम है, अबडक्ट कर लिया किसी को, किडनैप कर लिया। डेथ का क्या होगा, डर्थ, डर्थ का स्केयरसिटी, डर्थ माने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, और स्केयरसिटी डर्थ का मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी होना, डर्थ है ना। ये डर्थ ऑफ गुड पीपल या स्केयरसिटी ऑफ गुड पीपल, ठीक है ना, कमी होना, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट मीन्स रिप्लेस होना, सब्सटीट्यूट करना किसी को, रिप्लेस कर देना। हॉटी भाई, जैसे कि आजकल टेलीफोन को रिप्लेस करते हैं किसने, मोबाइल फ़ोन ने, ठीक है ना, इस तरह ये सब्सटीट्यूट करना। ये हॉटी मीन्स प्राउड, यानी कि हॉटी मीन्स होता है घमंडी, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, हॉटी, ठीक है ना, प्राउड, जो कि अच्छी आदत नहीं है। ब्रिम मीन्स, ब्रिम का जो क्या हुआ, एज मतलब पूरे ऊपर तक, ठीक है, किनारे तक। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है रोबस्ट। रोबस्ट क्या हुआ, देखो ये एंटोनिम्स है, अब ये एंटोनिम है, हाँ, उल्टे शब्द। जैसे रोबस्ट है ताकतवर, वीक माने कमजोर। केओस, केओस मीन्स क्या होता है भाई, अराजकता, अराजकता मीन्स कि जहाँ कानून का कोई पालन नहीं होता, तो उसे केओस कहते हैं, ठीक है ना। देयर वाज अ केओस ऑन आनंद विहार बस टर्मिनल, है ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। केओस मीन बहुत ज़्यादा लोगों को आ जाना और पुलिस का कंट्रोल ना हो पाना, दैट इज़ केओस। और पीस माने शांति, ठीक है। और जेंटल माने बहुत जो नम्र है, विनम्र है, जो मतलब बहुत मतलब वेल मैनर्ड पर्सन है, उसे कहते हैं जेंटल। और हार्स मीन्स जो बहुत कठोर होता है, उसे कहते हैं हार्स। अब ये जो है लेथार्जी, ये एल थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एल है, और लेथार्जी का जो सुस्ती बना। और अलर्टनेस मीन्स कि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, चुस्त होना। अच्छा, डीप है, डीप माने गहरा, शैलो माने जिसमें बहुत कम पानी होता है। और क्रूअल, क्रूअल में क्या होगा, काइंड। और नोटिस का किसी को ध्यान देना, नोटिस का इग्नोर। तो मौन, मौन माने किसका शोक मनाना, रिजॉइस माने खुशी मनाना। तो बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आई होप सो, कि मैं इसके बाद जो है आपसे और चीज़ें डिस्कस करूँगा। ये जो है इसी प्रकार से इंडिविजुअल्स ड्वेलिंग और जो यानी कि या इंडिविजुअल माने कोई भी जानवर है उसके बारे में, और वो कहाँ रहता है ना, उसके ड्वेलिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अब ये लायन है, लायन डेन में रहता है, ठीक है ना। हॉर्स स्टेबल में रहता है, घुड़साल में। किंग का क्या होगा, पैलेस, किंग जो है राजमहल में रहता है। स्पाइडर का रहती है वेब में। बर्ड का रहती है नेस्ट में, घोंसले में, ठीक है ना। एस्किमो का रहता है इग्लू में, पता है आपको, आपने पढ़ा है। अब ना ये इंस्ट्रूमेंट है और ये मेजरमेंट है, ठीक है। जैसे हाइड्रोमीटर है, क्या नापता है वो, ह्यूमिडिटी नापता है। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। नमी मीन्स कि भाई जो एटमॉस्फेयर में जो जो हवा के साथ जो पानी की जो बूंदें होती हैं, जल वाष्प होता है, पानी की बूंदें होती हैं, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसे हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और फिर इसके बाद है स्पाइगोमेनोमीटर, तो ये ब्लड प्रेशर को नापता है। और सिस्मोग्राफ होता है, ये अर्थक्वेक को नापता है, ठीक है ना। और बैरोमीटर प्रेशर ऑफ एयर, एयर के प्रेशर को नापता है। एमीटर करंट, करंट माने हवा के झोंके को। और स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है, आपने देखा होगा आपकी बाइक में होता है वो, ठीक है, या आपकी कार में आपको दिखाई देगा। थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापता है, आपने देखा डॉक्टर के
पास हम जाते हैं तो वो हमारे मुंह में एक एक जो है इंस्ट्रूमेंट हमारे बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर। ओके नाउ बैलेंस, बैलेंस जो है और ये मास को मेज़र करने के लिए बैलेंस का यूज़ करते हैं, तराजू वगैरह। एनेमोमीटर ये विंड की स्पीड, विंड को नापता है, ठीक है ना, विंड माने हवा। स्क्रू गॉज ये थिकनेस, ये मोटाई को नापती है, स्क्रू गॉज जो है। टेसोमीटर जो है वो स्ट्रेस को नापता है, दबाव को नापता है, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट है गेम, गेम जो है खेल, जैसे टेनिस है, टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। रेसलिंग कहाँ खेलती है, अरेना में, ठीक है ना, अरेना याद रखना। बॉक्सिंग रिंग, रेस ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, हॉकी ग्राउंड, एथलेटिक्स स्टेडियम, एक्सरसाइज जिमनेशियम और क्रिकेट पिच पे खेली जाती है, ठीक है। और ये अभी कुछ ऑक्यूपेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। फार्मर है वो क्रॉप यानी क्रॉप ग्रो करता है, किसान फसल उगाता है आपको पता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिज़ाइन तैयार करता है घरों का, है ना। टीचर एजुकेशन वो पढ़ाने का काम करता है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, या आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। और कोरियोग्राफर क्या करता है, ऑक्यूपेशन कोरियोग्राफर का तो डांस, ठीक है ना, वो डांस को सिखाने का काम, है ना, कोरियोग्राफर करता है। इसी वजह टेलर कपड़े बनाता है, प्रोड्यूसर जो है फिल्म बनाता है। अच्छा अब जो है हम बात करते हैं एनिमल और उनके बच्चों के बारे में। डॉग पपी यानी डॉग के जो डॉग मनी यहाँ पे बिच जो है उसके यंग मन को क्या कहते हैं, पपी कहते हैं, ठीक है ना। कैट किटन, बेयर का कब, और एनिमल हैन और उसका जो बच्चा है वो चिक कहलाएगा, चिक, है ना, चिक से चिकन बना हुआ है, ठीक है ना। काऊ, काऊ का क्या होगा, काफ भाई उसका बच्चा। इंसेक्ट लार्वा, ठीक है, इंसेक्ट के बच्चे को कीड़े मकोड़े के, कीड़े के बच्चे को कहते हैं लार्वा कहते हैं, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम कहते हैं अब जब स्टडी और टॉपिक, टॉपिक अगर ह्यूमन बींग्स का हो तो उसकी स्टडी ह्यूमन बींग्स किस में की जाती है, एंथ्रोपोलॉजी, याद रखना एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। और प्लांट्स की स्टडी किस में करते हैं, बॉटनी में। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस में किया जाता है, टैक्सोनॉमी। और बर्ड्स की स्टडी किस में जाती है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी। और अर्थक्वेक की स्टडी किस में करते हैं हम, हेमेटोलॉजी में। और इसी प्रकार से साइकोलॉजी जो होती है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी में किसकी बॉडी की जो स्टडी की जाती है वो किस किस में की जाती है, जो है वो की जाती है फिजियोलॉजी, है ना, बॉडी के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी वैसे तो काम अभी और थोड़ा सा रहता है, और मैं ये इससे पहले कि अभी मैं और आपको कुछ बताऊं, तो आई थिंक कि हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं, अब ये प्रैक्टिस है आपकी कि आपने क्या सीखा उस पर बेस जाइए। तो आप अब आप भी बता सकते हैं क्या है, ए काउ इज टू ए काफ एज गोट इज टू क्या होगा, पपी होगा, किड होगा, लैम होगा, कॉल्ट होगा। देखिए काऊ के यंग वन को काफ कहते हैं, तो गोट की यंग वन को क्या कहते हैं, क्या होता है, किड, ठीक है ना, ठीक है ना। और शीप का बच्चा होता तो लैम होता, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये मैंने बता दिया आपको। पिच है, पिच इज रिलेटेड टू द क्रिकेट, क्रिकेट अगर पिच क्रिकेट के इससे रिलेटेड है तो इन द सेम वे एज अरेना इज रिलेटेड टू भाई रेसलिंग। देखिए मैं कोई यहाँ पे आपको मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको ये इसके आंसर चाहिए तो मैं आंसरों में टिक भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये जो है अरेना इज फॉर रेसलिंग। इसी प्रकार चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज द फॉलोइंग, टुबैको कैंसर, अगर टुबैको से कैंसर हो जाता है तो, और मॉस्किटो किससे हो, मॉस्किटो से मलेरिया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। साइक्लोन इज रिलेटेड टू द एंटी साइक्लोन, इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू क्या होगा भाई, हैवक होगा, रिवर होगा, डिवास्टेशन होगा, ड्राउट होगा, ठीक है ना, ये ड्राउट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके भाई। साइक्लोन माने तूफान होता है, एंटी साइक्लोन मीन्स तूफान का ना होना। इसी प्रकार से जब ये जो है फ्लड होती है, बाढ़ होती है, बाढ़ का सूखा हो जाएगा। डॉक्टर रिलेटेड टू द पेशेंट इन द सेम वे कि पेशेंट, इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू
क्या डॉक्टर का जो पेशेंट होता है और लॉयर क्या होगा, क्लाइंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट है, बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड। बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड मीन्स देखिए बाल्ड माने जिसके बाल नहीं होते हैं, बिल्कुल बाल नहीं होते, तो वो ब्लॉन्ड से रिलेटेड कर रखा है। ब्लॉन्ड माने जिसके सुनहरे बाल होते हैं, ठीक है ना। बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम मीनिंग कि अपोजिट रिलेशन हुआ ना, यहाँ अपोजिट रिलेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से बैरन, बैरन माने बंजर, इज रिलेटेड टू दी फर्टाइल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा फर्टाइल, मैं इसमें टिक करने की जरूरत है, मैं टिक कर देता हूँ फर्टाइल। ठीक है, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्लावर इज रिलेटेड टू दी पेटल इन द सेम वे एज बुक इज रिलेटेड टू फ्लावर। अगर देखिए, अगर जो पैटर्न माने पंखुड़ियों, पंखुड़ियों से फूल बनता है, तो बुक किससे बनती है, पेजेस। ठीक है ना, सॉरी ये पेजेस, ये मैं जो है पेजेस जो है ये पेजेस पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ये जो है थोड़ा सा इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, पेजेस पे इसी प्रकार से ड्यूमा है, ड्यूमा इज रिलेटेड टू दी रशिया, रशिया की कैपिटल क्या है, ड्यूमा। इन द सेम वे कैपिटल माने जहाँ पे जो है वहाँ से जो पूरे कंट्री को गवर्न किया था उसे कैपिटल कहते हैं, तो ये जो है अब ड्यूमा। अब इसी प्रकार से शोरा क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है ना, शोरा अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जैसे हमारी इंडिया की संसद है जहाँ कानून बनता है उसे संसद कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो अफगानिस्तान की क्या होगी, शोरा। ठीक है, ड्यूमा किसकी कैपिटल है, ड्यूमा की पार्लियामेंट क्या है, ड्यूमा की जो पार्लियामेंट है वो क्या है, ड्यूमा किसकी पार्लियामेंट है, कहाँ पे संसद है, किसका कानून बनता है ड्यूमा में, भाई रशिया का। इसी प्रकार शोरा का, शोरा में किसका कानून बनेगा, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की वो संसद टाइप की। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी। ठीक है, अब मैं आपको एक और आपको बता दूँ कि कोंकणी जो है इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे दी डोगरी इज रिलेटेड टू क्या, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा बच्चों, इसी प्रकार से ये जो देखिए, ये आपकी भाई कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और विथ दिस आई कंप्लीट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।